कल हमने Realme के H1 हेडफोन की वीडियो डाली थी एंड उस पे आप लोग के क्वेश्चन आए एंड डिमांड आई कि भाई साउंड कोर Q20 आई से कंपेयर कीजिए एंड बताइए हम लोग को कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा हेडफोन्स लें अगर आप 5000 रुपीस के अंडर हेडफोन खोज रहे हैं। डील एंड डिस्काउंट तो आपको मिलती रहती है एंड हम वो आप लोग के साथ शेयर करते रहते हैं हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। Realme का जो लॉन्च प्राइस था 4500 रुपीज एंड सेल में साउंडकोर वाले आपको 3800 रुपीज में मिल रहे हैं। 700 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है जो इनका ऑलमोस्ट 20% डिफरेंस बैठता है। बिल्ड क्वालिटी, साउंड कोर वाले आपको 10 टू 12 ग्राम लाइटर मिलते हैं जहाँ पे आपको साउंड कोर की ब्रांडिंग के साथ जो पूरा टेक्सचर यहाँ पे दिया गया है ये मैट फिनिश है। नॉर्मल प्लास्टिक की जगह मैट फिनिश साउंड कोर ने यूज़ किया जो दिखने में काफ़ी अच्छा है एंड यार ओवरऑल काफ़ी यूनिकली बिल्ट हेडफोन्स हैं जहाँ पे आप इसको फोल्ड एंड रोटेट कर सकते हैं। बटन कंट्रोल सारा का सारा राइट साइड पे अवेलेबल है जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एंड 3.5 mm जैक, उसके अलावा ANC के लिए डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ओवर ईयर कैटेगरी हेडफोन्स है तो आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 85-90% लोग के ईयर इजीली कवर हो जाएंगे और हेडरेस्ट का भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है जहाँ पे कुशन्स अच्छे हैं। रियलमी वाले कॉपी लगते हैं सोनी के हेडफोन्स की जहाँ पे आपको प्लास्टिक बेल्ट में थोड़ा सा शाइनी टच दिया गया है एंड यहाँ पे भी मेटल यूज़ किया गया काफ़ी जगह पे, जैसे साउंड कोर में था। जैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मेटल देखने मिलता है। जो ईयर कप्स है वो आपको एक्स्ट्रा थिक मिलते हैं जिसकी वजह से इसका वेट 10 टू 12 ग्राम इंक्रीज हो जाता है कंपेयरिंग विद साउंड कोर। सो बटन कंट्रोल यहाँ भी आपको राइट साइड में मिलते हैं एंड एक पोर्ट मिलेगा टाइप सी वाला जो आप ऑडियो को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड साथ साथ चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ANC के लिए डेडिकेटेड बटन है। अब अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है इनकी कनेक्टिविटी में, क्योंकि ऑन ईयर फिटिंग एंड ऑल दैट दोनों आपको ऑलमोस्ट सेम फीलिंग देने वाले हैं, बट Realme में स्लाइटली बिगर ईयर कुशन आपको मिलते हैं एंड जो गैप है वो भी आपको थोड़ा सा बेटर मिलता है, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल में 19-21 का डिफरेंस फील होगा। कोई मेजर डील ब्रेकर डिफरेंस फील यहाँ पे नहीं होने वाला। कनेक्टिविटी वाइज Realme 5.4 के साथ डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी गूगल फास्ट पेयरिंग ऑफर कर रहा है। साउंड कोर में गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं मिलती बट यहाँ पे आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है एंड वही एप्लीकेशन सपोर्ट Realme में नहीं है, जो एक डील ब्रेकर हो सकता है एंड काफ़ी लोग वो चीज़ मिस करने वाले हैं क्योंकि Realme के साथ यार एप्लीकेशन यूज़ करने की लोगों की हैबिट बन चुकी है एंड ऐप में आप जाएंगे तो कपल ऑफ कस्टमाइजेशन के फीचर यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऑन साउंड कोर 22 प्रीसेट आर अवेलेबल देयर जो मेजर चीज़ है, उसके अलावा ANC के लिए कोई एडिशनल ऑप्शन नहीं मिलता जो आप बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं इनेबल डिसेबल, बट इन केस को फ्यूचर में अपडेट आएगा तो आप अपडेट कर सकते हैं डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को, इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं, डिवाइस रिमूव कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन, जो एक कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है एंड आपको वो बजट में एंड सस्ते रेट में मिल रही है देन Realme। बट क्या ऑडियो सिग्नेचर में डिफरेंस है? ऑडियो सिग्नेचर में दोनों हेडफोन्स हाई रेस सपोर्ट करते हैं बट Realme हाई रेस वायरलेस भी सपोर्ट करता है विद LDAC 40mm के ऑडियो ड्राइवर्स हैं, बट ओवरऑल जो चीज़ आती है डिपेंड करती है, वो डिपेंड करते हैं ट्यूनिंग पे। फीचर फंक्शन उतना मैटर नहीं करते अगर ट्यूनिंग ईयरफोन्स की हेडफोन्स की परफेक्ट हुई हो, जो मेरे को साउंड कोर में स्लाइटली बेटर लगा। 19-21 का डिफरेंस है अगेन, क्योंकि साउंड कोर में 100% पे आपको लेस डिस्टोर्शन मिलता है, Realme में थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट वही डिफरेंस है एंड साउंड कोर में आप एप्लीकेशन का यूज़ करके काफ़ी बड़ा एडवांटेज ग्रैब कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ ऑडियो मूवीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन सेट कर सकते हैं। 22 प्रीसेट अवेलेबल है, खुद कस्टम क्रिएट करना तो वो भी आप कर पाएंगे, जिसकी वजह से साउंड कोर यहाँ पे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है कंपेयरिंग टू Realme एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टोर्शन Realme यहाँ पे पीछे चला जाता है। अब अगर हम बात करें कंट्रोल्स की तो दोनों में आप सिमिलर कंट्रोल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। म्यूजिक प्ले पॉज करना है, वॉल्यूम कंट्रोल करनी है या फिर ANC कंट्रोल करनी है, आप हर कोई फंक्शन यहाँ पे इक्वली यूज़ कर पाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ANC की बात करें, 43 dB का ANC लेवल Realme क्लेम कर रहा है, साउंड कोर ने कोई भी ANC लेवल क्लेम नहीं किया है एटलीस्ट ऑन पेपर। ऐसा मुझे क्यों फील हुआ, दोनों का ANC लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये 80-90% तक बैकग्राउंड नॉइज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, तो ये अगेन कोई डील ब्रेकर पॉइंट नहीं है। जो डील ब्रेकर है वो हम बाद में बताएंगे क्या है एक्चुअल डील ब्रेकर इनके लिए। बैटरी बैकअप 40 आवर विद ANC, 60 आवर विदाउट ANC साउंड कोर का यहाँ पे क्लेम है। Realme 70 आवर क्लेम कर रहा है विदाउट ANC ऑफ कोर्स।
एंड एनसी के साथ ऑलमोस्ट 40 आवर का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। तो स्लाइटली 1-2 घंटे से रियलमी यहाँ पे जीत जाता है अगर आप डे टू डे परफॉर्मेंस या फिर रियल लाइफ टेस्टिंग करते हैं, स्लाइटली बेटर है। बट जहाँ पे 40-50 घंटा ये फोन्स हेडफोन्स बैटरी बैकअप क्रॉस कर देते हैं वो 1-2 घंटा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता बैटरी बैकअप की टर्म में। रियल में यहाँ पे 80 ms की लो लेटेंसी क्लेम कर रहा है जो कैजुअल गेमिंग के लिए सुटेबल है एंड आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं। बट प्रोफेशनल लेवल गेमिंग के लिए दोनों ही हेडफोन्स पे आपको वायर यूज़ करना पड़ेगा, रियल में पे टाइप सी, साउंड कोर पे आपको ऑक्स पोर्ट। अब टाइप सी होने का एडवांटेज ये है कि आप कोई भी स्मार्टफोन पे या लैपटॉप टैबलेट पे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, वो कंपैटिबल रहता है। अभी के लिए 3.5 mm जैक मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स पे मिसिंग मिलता है एंड कई तो लैपटॉप भी 3.5 mm जैक नहीं दे रहे, वो टाइप सी बेस्ड ही होते हैं आजकल। तो साउंड कोर के पास ये डिसएडवांटेज है बट रियलमी लेटेस्ट है तो उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया। कोरिंग परफॉर्मेंस दोनों हेडफोन्स की ये है, चेक कीजिए एंड डिफरेंस बताइए कैसे परफॉर्मेंस लगी आपको। Q20i हमारे पास है यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं माइक्रोफोन के पर्पस से एंड यहाँ पे इनके साथ थोड़ा सा नॉइज भी है जिसकी वजह से जो माइक्रोफोन है वो नॉर्मल अगर रहता तो थोड़ा स्ट्रगल करता, बट ये देखना भाई ये कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने बेटर क्लियर आपको देते हैं। हाउ एवर आप इसको वायर्ड ईयरफोन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, आपको 3.5 mm के यहाँ पर मिलता है। बट ये है क्वार माइक्रोफोन के साथ इसका ओवरऑल फीचर्स। अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेक लाइफ और स्टूडियो के हेडफोन्स जो अपने पास देखे हुए हैं एंड अपनी बालकनी में ऑडियो फीचर्स का कमाइजेशन परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। नॉर्मली 5,000 पीस के हेडफोन्स हैं तो आपको एक डीसेंट माइक्रोफोन ऐसा मिलना चाहिए, बट क्या ये डीसेंट माइक्रोफोन मैनेज कर पाएगा अंडर द मिनिमम नॉइस, ये कुछ एक्सपीरियंस है ना किसी भी कोई को। सो अगर आपने परफॉर्मेंस चेकआउट कर ली, कंक्लूजन की बात करते हैं, साउंड कोर आपको 800 चीपर मिलते हैं, बेटर ऑडियो सिग्नेचर प्रोफाइल यहाँ पे आपको मिलती है, थोड़ा सा लाइट वेट है, एनसी लेवल ऑलमोस्ट सेम है एंड लुक डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे पसंद आया। रियलमी का लुक डिज़ाइन थोड़ा सा कॉपी लगता है, चीप कॉपी है सोनी की, वो फीलिंग आती है। बट अगर आप रियलमी यहाँ पे लेंगे तो एक यूनिवर्सल कनेक्टिविटी का एडवांटेज आपको मिलेगा, बट उसके साथ मेजर डिसएडवांटेज एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 800 rupees आप बचा के साउंड कोर की ओर जा सकते हैं जो आप लोग के लिए वैल्यू फॉर मनी साबित होगा एंड यार वन ऑफ द बेस्ट रेटेड हेडफोन्स है 4,000 rupees की प्राइस कैटेगरी पे आप देखते हैं तो। हालांकि दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं कौन सा हेडफोन्स आप लोग के बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय।